हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ न्यूज़पेपर लिए हैं और हमें सबसे पहले इन न्यूज़पेपर से छोटे छोटे बॉल बनाने हैं। तो इस तरह न्यूज़पेपर को क्रश करो और उससे गोल गोल कर कर बॉल्स बनाना स्टार्ट करो। हमें दो शेप के बॉल्स बनाने होंगे, एक थोड़ा सा बड़ा और एक उससे थोड़ा सा छोटा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारे बॉल्स बना लिए हैं और एक बड़ा एक छोटा करके उन्हें अरेंज कर दिया है ताकि वो एक माला के शेप में आ जाए। नेक्स्ट हमें एक कटोरी में थोड़ा सा पानी और थोड़ा फेविकॉल लेना होगा और उन्हें मिक्स करके एक मिक्सचर बनाना होगा। थिन पेस्ट यहाँ पे हमें बनाना है। इसे हिला लेते हैं। पेपर बॉल्स थे वो और टिश्यू के कुछ पीसेस लिए हैं। अब करना ये है कि इन बॉल्स को इन टिश्यू पेपर से पूरा कवर करना है और ये पेस्ट की मदद से हम इसे उस पर चिपकाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा बॉल पूरा कवर हो चुका है और अब मुझे बस इसे सुखाना होगा। तो अब मैं इन्हें एक घंटे सूखने के लिए रख देती हूँ। ध्यान रखिए, आपको इन्हें गीला बिल्कुल नहीं रखना है, पूरे अच्छे तरह से सुखा देना है। फ्रेंड्स अब हम एक नेक्स्ट चीज़ बनाने वाले हैं। मैंने एक पेपर की ट्यूब ली है और उसे रोटेट करके से एक सिलेंड्रिकल ट्यूब बना दिया। और अब मैंने क्या किया है, इसे इस तरह से रोटेट करके एक छोटा सा रिंग बनाना है। फेविकॉल की मदद से आप इसको यहाँ पे इतने हिस्से को कट कर दीजिए और इसे यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। और पेस्ट करने के बाद ये इस तरह से आपके पास एक नोजल ट्यूब टाइप आ जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, मैंने वो सारी रिंग्स को इन बीड्स के बीच में जमा दिया है। हमने कुछ 6 रिंग्स बनाई हैं और हमारी माला का बेसिक स्ट्रक्चर अब रेडी है। सो लेट्स गो एंड पेंट दिस। फ्रेंड्स अब मैंने ये फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर्स लिए हैं, नॉर्मल एक्रेलिक कलर्स हैं, आपको कोई भी स्टेशनरी से मिल जाएंगे। मैं ऑरेंज और ये रेड कलर यूज कर रही हूँ। तो हम हमारे टिश्यू बॉल को इससे पेंट करेंगे। इन बॉल्स को कलर करने के बाद हमने ये थ्रेड्स को इसके ऊपर रोटेट कर दिया है। थ्रेड यूज करना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हैं, बस इससे बॉल्स का लुक थोड़ा सा एलिवेट हो जाएगा। अब हम लोगों ने इसे कलर कर दिया है और अब मैंने ये कुछ ग्लिटर्स यूज किए हैं। ये गोल्डन ग्लिटर है और ये ग्रीन ग्लिटर है और फेविकॉल के यूज से मैंने इन बॉल्स को अपने मनपसंद ग्लिटर शेड्स में डेकोरेट करना चालू किया है। बड़ी सुई की मदद से एक धागे में इसको एक माला के रूप में पिरो लेना है। तो मैंने इन सबको इस तरह से लगाया है और देखिए हमारी माला बिल्कुल रेडी है। तो बहुत इजी है, आप लोग खुद बना सकते हैं और अपने गणपति बाप्पा के लिए हैंडमेड सारे सामान जो आपके घर पे अवेलेबल है उससे बनाई हुई ये माला पहनाइए